नमस्कार कोडरमा, आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम और मैं हूं रूपम ओझा। अभी मैं मौजूद हूं कोडरमा की शान रिदम डांस एकेडमी में। काफ़ी एक्टिव है ये डांस एकेडमी, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करते हैं, काफ़ी नाम सुना है कोडरमा में। दूर दूर से बच्चे यहाँ पर डांस सीखने के लिए आते हैं। तो आखिर क्या खास बात है इस डांस एकेडमी में, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के जो डांस सिखाने वाले हैं, यहाँ के संचालक सूरज जी हैं। तो सूरज जी के बारे में आपको बताता हूँ। सूरज जी 2007 DID में जा चुके हैं, कोलकाता से इन्होंने डांस का कोर्स किया है, कोलकाता में ही इनका शिक्षण रहा डांस का। उसके बाद 2007 में ये DID में 41 पोजीशन तक पहुँचे। आप सोच लीजिए DID 41, मतलब काफ़ी टैलेंट होता है तभी उतनी दूर तक लोग पहुँच पाते हैं। उसके बाद अभी मॉडर्न पब्लिक स्कूल तिलैया में डांस शिक्षक हैं और यहाँ अभी रिदम डांस एकेडमी चलाते हैं। तो चलिए अब सूरज जी से बात करते हैं। स्वागत है सूरज जी आपका रिदम डांस एकेडमी में। नमस्कार जी। सूरज जी, कब स्टार्ट किया आपने ये कोचिंग सेंटर? मैंने ये अपने रिदम डांस क्लास का ओपनिंग किया था 2007 में। मैंने ये स्टार्ट किया था कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झुमरी तिलैया अड्डी बंगला में। अच्छा। और उस समय सभी फिलहाल ये कंटिन्यू रेगुलर क्लासेज में यहाँ पे चल रहे हैं और कोशिश है कि अभी तक मैंने परफॉर्मेंस जो अभी तक जो करवाया है काफ़ी अच्छा चला है और कोशिश करूँगा और भी अच्छा मैं इधर वो कराऊँ। सूरज जी, किस किस तरह के डांस में आप लोग फोकस करते हैं, मतलब कि किस तरह का डांस सिखाते हैं? काफ़ी मैंने अभी देखा, जब मैं देख रहा था तो बच्चों में काफ़ी टैलेंट है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि विद इन 30 सेकेंड बच्चों ने यहाँ पर अपने आप को कॉडियो कर लिया, खुद को तैयार कर लिया कि 30 सेकंड के अंदर हम लोग डांस प्रैक्टिस कर लिए और बच्चे तैयार है 30 सेकंड के अंदर। अभी मैं बच्चों से भी मिलवाऊंगा आपको, बच्चों से भी बात करवाऊंगा, उनके डांस का एक आध डेमो आपको बीच में डाल के दिखाऊंगा। तो सूरज जी बताइए कि कितने टाइप के डांस यहाँ पर आप सिखाते हैं और क्या क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ पर बॉलीवुड डांस बेस में करवाता हूँ, बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी। और मैं यहाँ झारखंड का जो अपना बेस है मीन्स झारखंडी डांस वगैरह, तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे बच्चे लोगों को प्रिपेयर में करवाता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 2007 से और ये 2021 चल रहे हैं, तो अभी तक मैंने 4 से 5 बार अभी स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन तक भी बच्चे लोगों को मैं लेके जा चुका हूँ वहाँ से। और जिला स्तरीय यहाँ पे जब भी होते हैं डांस कॉम्पिटिशन तो वहाँ से काफ़ी बच्चे डांस परफॉर्मेंस करते हैं। हमारे डांस के क्लास के बच्चे काफ़ी अच्छा इसमें अभी तक रह चुके हैं। सूरज जी, और क्या क्या करवाते हैं? अभी शिक्षक दिवस था, आप लोग काफ़ी व्यस्त थे इसमें, तो बच्चों को ट्रेन भी करते हैं क्या? अपने बच्चों को कहीं पर कुछ परफॉर्मेंस करवाना हो तो उसके हिसाब से भेजते भी हैं आप लोग? हाँ, मैं बच्चे लोगों को मैं अपने डांस क्लास में उसकी तैयारी करवाता हूँ और प्लस बच्चे लोग हैं प्लस पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो हमारे झुमरी तिलैया में जो भी पेरेंट्स हैं काफ़ी सपोर्टेबल हैं और वो सपोर्ट करते हैं, जिनके कारण बच्चों लोग को मैं परफॉर्मेंस के लिए बार बार यहाँ से बार बार स्टेट में भी परफॉर्मिंग के लिए मैं तैयार करता हूँ। सूरज जी, कोडरमा प्राइम के साथ हमारा मुहिम है कि कोडरमा से जुड़े जितने भी अच्छे चीज़ हैं जो कोडरमा का नाम आगे बढ़ा सके, कोडरमा जितना सुंदर है, कोडरमा में जितना टैलेंट है, उसको हमें आगे लेकर के जाना है। तो आप किस तरह रोल निभाएंगे हमारे साथ कोडरमा प्राइम के साथ, बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोडरमा प्राइम ये बहुत अच्छा एक है और प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेज मिल रहा है बच्चों लोग को, प्लस इनके थ्रू काफ़ी मीन्स तिलैया के और भी जो हैं जो नहीं जानते हैं वो इनके थ्रू जान पाएंगे। हम लोग तो मीन्स कोशिश कर ही रहे हैं कि बच्चे लोग को यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस दें, तो जो बच्चे जाते हैं जो पेरेंट्स से बस वही जान पा रहे हैं, लेकिन आपके थ्रू ये एक अलग स्टेज परफॉर्मेंस मिलेगा, बच्चे लोग को एक अलग स्टेज दिया जाएगा कि इनके थ्रू भी बच्चों को जानकारियाँ होंगे, अदर पेरेंट्स और ऑडियंस को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं कि कोडरमा से जुड़े जितनी भी हैं, जितना भी टैलेंट हो किसी भी तरह का, कोडरमा का जो नाम ऊंचा कर सके, हमसे वो छुपेगा नहीं, बचेगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सूरज जी, ये सर्टिफिकेट्स मैं कुछ देख पा रहा हूँ, ये क्या है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता। सर, ये मीन्स छाया स्कूल ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से मैंने प्रभाकर का डिग्री लिया है और क्लास का हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रिदम डांस एकेडमी का क्लास में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो उसी का वो है ऑथोराइजेशन। अच्छा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आप दिखाइए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कप भी यहाँ जीते पड़े हैं,
जाहिर सी बात है कि बहुत सारे परफॉर्मेंस में आपने पार्टिसिपेट किया होगा जी। तो सबसे बेस्ट आज तक का कौन सा रहा सूरज जी? सबसे बेस्ट मीन्स मेरे नज़र में देखिए एक सेकंड बेस्ट था, एक बिपिन एंड ग्रुप थे यहाँ पे। अच्छा। जो कि तिलैया में वो अपना एक अलग नेम फेम किए, प्लस उन्होंने एक अलग डांस अकेडमी भी चलाया हाइकर डांस अकेडमी करके। फिर क्लास में और भी बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट्स आए, मैं दो चार का नाम बताना चाहूँगा, मिस्टर सोहेब, वंदना हो गई, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सिमी हैं, तो ये लोग मीन्स तिलैया में काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लस अलग अंदर से एक प्राउड ही फील भी होता है कि यहाँ से बच्चों ने डांस सीखे, एक अपना अलग ब्रांच वो खोला है और वो इस लाइन में काफी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सोचिए कितना गर्व का बात है कि जहाँ से सीख करके कोई अपने अंडर अपने ब्रांच कोई खोल देता हो और वहाँ से भी अलग कला का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा हो। आप देखिए इधर चारों तरफ आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे द्वितीय प्रथम पुरस्कार बड़े बड़े कप रखे हैं। जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि काफी सारे परफॉर्मेंस है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाऊंगा इनके बारे में, मैं इनसे बात करूंगा। इससे पहले इनका एक परफॉर्मेंस देखते हैं। सूरज जी एक गाना बजाते हैं और एक छोटा सा परफॉर्मेंस अपने दर्शकों को दिखाते हैं, तो चलिए। तो देखिए अभी यहाँ पर आप डांस परफॉर्मेंस देखेंगे, दो बच्चियाँ हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कला है, कितना टैलेंट छिपा है कोडरमा के अंदर जो बाहर आने की जरूरत है। अम्मा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। तो आपने देखा होगा ये एक छोटा सा ट्रेलर है। चलिए मैं इन दोनों से बात करता हूँ एक एक करके। आइए आप, क्या नाम है आपका? संजना गुप्ता। संजना कितने दिन से आप हैं यहाँ पे इस रिदम डांस के? 3.5 साल। 3.5 साल से। तो संजना क्या करना है आगे, क्या बनना चाहती हैं? DID में जाना है कि नहीं सर की तरह आपको? हमको भी सर की तरह करना है, और सर और दी का मेरे लिए बहुत सपोर्ट है, हमको ये अच्छा लगता है आपका। बेस्ट चीज़ क्या लगता है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बेस्ट चीज यहाँ पे कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है उसके पीछे सर और दी ध्यान देते हैं। चलिए यही खास बात होती है कि जो बच्चा मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अगर कोई भी संस्थान उस पर स्पेशली ध्यान दे, उसे आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान दे, तो इससे अच्छा किसी भी अकेडमी, डांस अकेडमी के लिए अच्छा क्या हो सकता है? आपका नाम क्या है? सिमी सोनकर। सिमी कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? मेरा यहाँ पे क्लास में 9 साल हो चुका है सर। सिमी क्या पसंद है आपको, किस तरह का डांस पसंद है? मुझे हिप हॉप मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, और ये सूरज सर का ही देन है जो कि आज मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे हिप हॉप डांस बहुत पसंद है। यस, चलिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं कोडरमा प्राइम की तरफ से आपको रहेगा, आप बहुत आगे बढ़े। चलिए और सूरज जी से बात करते हैं। सूरज जी कैसा लगता है जब बच्चे स्टेट लेवल पर जाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं सब जगह जा करके, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से प्राउड ही फील होता है। मैं वहाँ पे मैं ये फील करता हूँ कि चलो मैंने जो नहीं करा और मेरी जो अंदर से जो इच्छा है जो मैं नहीं कर पाया वो बच्चों लोग के थ्रू मैं करवा रहा हूँ, और वो बच्चे अभी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे अभी परफॉर्मेंस अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए यही था रिदम डांस अकेडमी, काफ़ी नाम सुना था, सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव है ये लोग, बीच बीच में डांस का वीडियो डालते रहते हैं, डांस का अपडेट, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो अड्डी बंगला से थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे तो ये डांस एकेडमी आपको देखने का मिला है। अगर आप चाहते हैं, आप में लगे कि आप कला को, अपने अंदर छुपे हुए कला को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस डांस एकेडमी में आकर के अपने टैलेंट को जरूर बढ़ावा दे सकते हैं सूरज सर के साथ मिलकर के। आप देख रहे हैं कोडरमा प्राइम, मैं हूँ रूपम ओझा।